ये मैं बता रहा हूँ कि इस परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पे ये कॉलेजेस मिलेंगे, ब्रांच कौन कौन सी मिलेंगे, संस्था को डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर अपने कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए। अगर आपका रैंक 2 लाख से 4 लाख के बीच में आ रहा है, मतलब 60 से 80 परसेंटाइल, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल सिविल एनवायरमेंटल जैसी ब्रांच आपको आराम से मिल जाएगी। गर्ल्स कैंडिडेट है हरियाणा से तो आपको बीसी वगैरह भी मिलती है, लखनऊ एचबीडी कानपुर टकला गोरखपुर वी आई टी झांसी किनारे सुल्तानपुर आईडी कानपुर, यहाँ पे भी आपका 1 लाख से 2 लाख बीच में अगर रैंक आ रहा है तो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस या केमिकल बायोकेमिकल बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी अटैम्प्ट का एग्जाम दिया था और जिन बच्चों का लो परसेंटाइल आया है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको हमारी परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल तक आ रहा है उनको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। आज बात करने वाले हम लोग 20 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल, मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 8 लाख से लगभग 50 हजार के बीच में आने वाला है 2023 के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। इस बार बच्चे थोड़े ज्यादा हैं तो सकता है रैंक आपका ऊपर नीचे हो जाए। तो बात करते हैं, पहले 20 से 60 बात करेंगे, उसके बाद 60 से आपका 80 बात करेंगे, फिर 80 से 90 परसेंटाइल बात करेंगे और 90 से 95 परसेंटाइल बात करेंगे। तो 90 से 95 परसेंटाइल पे क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, कौन कौन से एनआईटीज, कौन कौन से ट्रिपल आईटीज, उसके बाद आपका 60 से 80 परसेंटाइल और इस पे आपका क्या एक्सपेक्टेड रैंक बनने वाला है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 20 से 60 परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 से 60 परसेंटाइल के बीच में क्या क्या हमको मिलने वाला है, कौन कौन से हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से हमें सेंट्रल फंडेड के कॉलेज मिलेंगे। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, ये हमारा कॉलेज है जो हमको लगभग हमारी रैंक लगभग 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर बन रही है तो हमको आराम से यहाँ पे सी एस आई टी छोड़कर के बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। उसके बाद चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, उसके बाद जीजीओ हमारा हिसार, उसके बाद यूआईटी रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये हमें कॉलेज मिलते हैं। हमारी हरियाणा की जो काउंसलिंग होती है एचएसटीएस उसको बोलते हैं और इन कॉलेजेस में सी एस आई टी छोड़कर के बाकी ब्रांचेस हमको आराम से मिल जाएंगी। अब सी एस आई टी कहाँ मिलेगा बच्चों का क्वेश्चन ये होगा, सी एस आई टी कहाँ मिलेगा उसकी भी आगे बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सी एस आई टी थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सी एस जी एम है, बुंदेलखंड है, रामेंद्र लोहिया है, उसके बाद आईआरटी इलाहाबाद है, टीएचडीसी है, केसी द्वारहाट है, उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अजमेर है, बीकानेर है, आरजीपी भोपाल है, इन कॉलेजेस में हो सकता है कि इस रैंक पे भी आपको सीएस आराम से मिल जाए अगर आप होम स्टेट कोटे से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है और स्टेट की गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटीज है जो हमको 20 परसेंटाइल से 60 परसेंटाइल के बीच में यानी कि 4 लाख से 8 लाख के बीच में रैंक आ रहा है साल 2023 के अकॉर्डिंग, तो आराम से हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन कौन से हमारे अदर कॉलेज है, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, वुमेन स्टोर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा गर्ल्स के लिए है देहरादून, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बांदा, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने लोकेशन के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने आसपास की लोकेशन में कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बेटर कॉलेज है। हालांकि फीस उतनी कम नहीं है, यहाँ पे फीस उनकी प्राइवेट के बराबर ही है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो एनसीआर के प्राइवेट कॉलेज है वो लेना ज्यादा प्रेफर करें एज कंपेरिजन टू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद हमारा सेंट्रल फंडेड जो कॉलेज है उसमें हमारा गुरुकुल कांगड़ी है, एचएनबी गढ़वाल है, देन आपका निफ्टम सोनीपत है, जीजीयू बिलासपुर है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमारा आसाम आईआईसीटी बदोई, गणिकांत चौधरी और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 20 से 60 परसेंटाइल के बीच में आपको दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज आपको 60 से 80 के बीच में और 80 से 90 के बीच में भी मिल जाएंगे। तो बस अंतर ये होगा कि अगर आप 20 से 60 के बीच में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सीएसआईटी छोड़कर के बाकी ब्रांचेस मिलेंगे, अगर आप 80 से 90 के बीच में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे सीएसआईटी ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, अगर हमारा रैंक 4 लाख से 8 लाख के बीच में आने वाला है, मतलब 20 से 60 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, तो हमारा जीएल बजाज, एनआईटी ग्रेटर नोएडा, आईसी आईएमएस गाजियाबाद, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, एसकेआईटी जयपुर, जेईसीआरसी जयपुर, दिल्ली टूल इंजीनियरिंग, जेपी नोएडा, सेक्टर 128, उसके बाद जेपी सोलन थर्ड कैंपस हमारा है, उसके बाद क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, एसआरएम गाजियाबाद, बीएम स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा आईपीयू कैंपस है, उसके बाद जेआईएमएस ये भी हमारा आईपीयू कैंपस है जो हमारी आईपीयू काउंसलिंग होती है, विवेकानंद स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज हमारा विप्स बोलते हैं इसको, ये भी हमारा आईपीयू कैंपस है। तो ये हमको प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे सीएसईसी या स्पेशलाइजेशन ब्रांच कोई ना कोई हमको इस रैंक पे 4 से 8 लाख के बीच में बच्चों आपका रैंक अगर आ रहा है तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो 100%, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हो सकता है ईसी वगैरह ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट हमारा जो है 60 से 80 परसेंटाइल, अगर हमारा रैंक लगभग 4 लाख से 2 लाख के बीच में आ रहा है, मतलब हम 2023 के हिसाब से बात कर रहे हैं, 60 से 80 परसेंटाइल के बीच में कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन से हमारे सेंट्रल फंडेड, कौन कौन से हमको जो है स्टेट की यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से हमें प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिलेंगे, तो देख लेते हैं। आईटी लखनऊ, एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, वीआईटी झांसी, केआईटी सुल्तानपुर, एआईटीएच कानपुर, ये हमको मिलेंगे किससे, यूपी टेक की जो हमारी काउंसलिंग होती है, इसमें हमारा 15% जो है ऑल इंडिया कोटा अदर स्टेट के बच्चों के लिए, 85% हमारे होम स्टेट के बच्चों के लिए। लेकिन 4 लाख से 2 लाख के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक आने वाला है या परसेंटाइल अगर आपके हाथ में ये आ गया तो आपको यहाँ पे सीएसआईटी या हो सकता है इसी ब्रांच में ना मिले, लेकिन बाकी ब्रांचेस आपको 100% यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी परसेंटाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस की,
कौन कौन से कॉलेजेस में आपको सीएस मिलेगा वो भी साथ ही साथ बात करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एआईटीएच कानपुर हमको जो है यहाँ पे हो सकता है किस रैंक पे सीएस मिल जाए, और बाकी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे ईसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, आईटी लखनऊ में इस रैंक पे ईसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको अदर ब्रांचेस केमिकल, बायोकेमिकल या अगर गोरखपुर वगैरह में जा रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में, देखिए यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर, सीसीटी चंडीगढ़, उसके बाद डॉक्टर एस एस भंडागर केमिकल टेक्नोलॉजी, ये हमारे कॉलेज जो है ये हमको मिलेंगे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से, और यहाँ पे हमको इस रैंक के जो है जो हमारी परसेंटाइल है 60 से 80 के बीच में, इसमें हमको आराम से हमको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ये ब्रांचेस हमको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। डॉक्टर एस भटनागर में एक ही ब्रांच है, केमिकल ब्रांच हमको आराम से मिल जाएगी या फूड मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमारा एमआईटीएस ग्वालियर, डीवीवी आईटी जो है हमारा इंदौर, उसके बाद इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा, ये हमको मिलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग से। ये जितने भी हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं ये किस काउंसलिंग से मिलेंगे, पूरी पूरी काउंसलिंग में एक वीडियो लगातार मैं आने वाले समय में आपको दे दूंगा, जो डेडिकेटेड वीडियो रहेगा इंडिविजुअल हर एक अलग काउंसलिंग का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस किस रैंक के बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि इस परसेंटाइल से इस परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पे ये कॉलेजेस मिलेंगे, ब्रांच कौन कौन से मिलेंगे साथ ही साथ वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर अपनी कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको जाना है। अब बात कर लेते हैं आगे वाइम से फरीदाबाद, डी क्रेस्ट, उसके बाद हमारा ये दोनों कॉलेज हमें मिलते हैं हरियाणा काउंसलिंग से। अगर आपका रैंक 2 लाख से 4 लाख के बीच में आ रहा है, मतलब 60 से 80% है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, एनवायरमेंटल जैसी ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएगी। गर्ल्स कैंडिडेट है हरियाणा से तो आपको ईसी वगैरह भी मिल सकती है यहाँ पे दोनों कॉलेजेस में। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी, और उसके बाद हमारा एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, ये दो कॉलेज हमको मिलते हैं आपका उत्तराखंड की काउंसलिंग से। यहाँ पे भी हमको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो या गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो सीएस भी आराम से आपको इस परसेंटाइल पे मिल सकती है इन दोनों ही कॉलेजेस में, एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, ये हमें मिलेंगे रीप राजस्थान की काउंसलिंग से। और अदर स्टेट कोटे से ब्राउन करते हैं तो सीएस आईटी नहीं मिलेगी, अगर आप राजस्थान से हैं तो हो सकता है कि अच्छे ब्रांचेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल फंडेड कॉलेज सीएफटीआई, अगर हमारा 60 से 80% के बीच में मतलब आ रहा है, रैंक हमारा 2 लाख से 4 लाख के बीच में आने वाला है, तो स्लाइड पंजाब, आरजीपीआईटी अमेठी, उसके बाद एनआईएमटी रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वीआईटी पटना, उसके बाद हमारा वीआईटी जो है देवगढ़, आईसीटी भुवनेश्वर, एसएमवीडीओ मतलब श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, नील औरंगाबाद, डॉक्टर गौरहरी सिंघानिया हमारी यूनिवर्सिटी जो है सागर में नया जीएफआई एड हुआ था, तेजपुर, मिजोरम, उसके बाद निफ्टम सोनीपत, गनीकांत चौधरी और आईआईटी रैम, ये वो कॉलेज है जहां पे 60 से 80% के बीच में मतलब कि 2 लाख से 4 लाख रैंक अगर आ रहा है तो सीएस आईआईटी छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस हमको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जेपी नोएडा मेन कैंपस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपको 2 लाख से 4 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा, स्पॉट राउंड अगर आप जाते हैं, सेक्टर 128 में हो सकता है सीएस भी मिल जाए। उसके बाद जेएसएस नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अजय कुमार गर्ग, काइट, जीएल बजाज, आईएमएस, ये हमको मिलेंगे यूपी टेक की काउंसलिंग से। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के स्पेशलाइजेशन या फिर ईसी वगैरह आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद एमएआईटी, एमएसआईटी, जीडीवीआईटी, बीबीआईटी और भारतीय विद्यापीठ एचएमआर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, ये हमारे वो कॉलेज हैं अगर हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं बच्चों, अगर आपके पास कोटा दिल्ली का है तो आपको आराम से सीएस की स्पेशलाइजेशन या ईसी मिल जाएगी। अदर स्टेट से हैं तो बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे इसी परसेंटाइल के बीच में, 60 से 80 के बीच में अगर आपका आ रहा है। आईएम कोलकाता, एचआईटी कोलकाता, हल्दिया, ये तीनों कॉलेज हमें डब्ल्यूबीजी की काउंसलिंग से मिलेंगे। अगर डब्ल्यूबीजी आपने दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके आप यहाँ पे जा सकते हैं और सीएस ब्रांच आपको आराम से इस परसेंटाइल के बीच में मिल जाएगी। वीआईटी जयपुर सिंगल कॉलेज बचा हुआ है, पहले देवगढ़ भी था, पटना भी था, दोनों जीएफटीआई हो गए हैं। अभी वीआईटी जयपुर हमारा अलग से काउंसलिंग करवाता है, अलग से फॉर्म आएगा और 2 लाख रैंक तक यहाँ पे बच्चों को सीएस मिला है 2023 में, मतलब की लगभग आपका 80% बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि सीएस आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं इसी परसेंटाइल पे 60 से 80 के बीच में, तो कौन कौन से, एसकेआईटी जयपुर है, जेईसीआरसी है, एलएनसीटी है, सतवामा है, वीआईटी चेन्नई, एसआरएम, बीनेट, मुंजाल और एसआरएम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, उसके बाद पीएसआईटी कानपुर, यहाँ पे सीएस 100% मिल जाएगा 2 से 4 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है, मतलब 2 लाख से 4 लाख और आपका परसेंटाइल लगभग 60 से 80 के बीच में है। अब बात कर लेते हैं हमारा 80 से 90% इस परसेंटाइल के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का फोन आया, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके ज्यादा हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है उसमें 80 से 90 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से कॉलेज है, रैंक क्या बनने वाला था, मतलब रैंक क्या बनने वाला है हमारा इस पे अकॉर्डिंग टू 2023, अगर हम लोग देखें 2023 के हिसाब से जो हमारा रैंक बनेगा वो बनेगा हमारा 2 लाख से 1 लाख के बीच में। तो 2 लाख से 1 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड रैंक बन सकते हैं और 80 से 90% के बीच में कौन कौन से हमारे बेटर कॉलेज हैं जो हमें मिल पाएंगे और हमें कहां कहां अप्लाई करना चाहिए इस परसेंटाइल के हिसाब से। तो डीटीयू है, एनएसयूटी है, आईजीडीटीयू है, डीएसयू है, ये हमारे वो कॉलेज है। यहां पे हमको ब्रांच बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो बायोटेक, एनवायरमेंटल, प्रोडक्शन या सिविल जैसी ब्रांचेस हो सकता है आपको मिल जाए। यूएसएआर में ऑटोमेशन रिसर्च का कॉलेज है, ये 2.5 लाख रैंक तक बच्चों को मिला है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा यूआईटी चंडीगढ़, सीसीटी चंडीगढ़, डॉक्टर एस एस भटनागर, ये हमारे कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ को छोड़ दें तो दोनों कॉलेज में हमको होशियारपुर में सीएस, दो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यूआईटी चंडीगढ़ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा जो है वाईएमसी फरीदाबाद,
डी ग्रेड सोनीपत में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 100% मिल जाएगा, 1 लाख से 2 लाख के बीच में बच्चों आपका आपका रैंक आने वाला है, 80 से 90% आया है। आईसीएसआईटी इंदौर, जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, डीवीबी आईटी हमारा जो है इंडिया इंदौर है। उसके बाद हमारा ये कॉलेज किससे मिलते हैं, एमपीटीटी से हमको, ये हमको इस परसेंटाइल के बीच में, अगर आप एमपी से हैं तो आपको आराम से अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, एमपी से नहीं है तो अभी आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एसजीएसटी इंदौर को अगर छोड़ दें तो बाकी कॉलेजेस में, क्योंकि ये बहुत अच्छी रैंक पर पड़ जाता है, यहाँ पे बायोटेक वगैरह मिल जाती है बच्चों को बाद में 2-2.5 लाख रैंक तक, लेकिन इन कॉलेजेस में जो बाद वाले कॉलेज है इसमें हमको मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आईटी लखनऊ, एचडीयू कानपुर, IIM गोरखपुर, वीआईटी झांसी, केनआईटी सुल्तानपुर, आईटीएच कानपुर, यहाँ पे भी आपका 1 लाख से 2 लाख के बीच में बच्चों का रैंक आ रहा है, तो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस या केमिकल बायोकेमिकल ही आप मान सकते हो, एचडीयू वगैरह में फूड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी इसके बाद भी मिलती रहती है। आईटीएच कानपुर वगैरह जो कॉलेज आपके एडिड कॉलेज है यहाँ पे हो सकता है आपको सीएससीसी मिल जाए इस परसेंटाइल पे। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में अगर आप उत्तराखंड से हैं या गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको आराम से सीएस मिल जाएगा, बाहर से तो आपको ईसी मिल जाएगा इस परसेंटाइल पे। आगे देख लेते हैं हमारे सेंट्रल फंडेड कौन कौन से कॉलेज है, सीएफटीआई जो हमको 80 से 90% मतलब कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर आने वाला है तो कौन कौन से हमको जीएफटीआई हमको मिलने वाले हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज क्या मिलेगा हमको, बहुत ज्यादा मटेरियल साइंस मिलेगा या प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा वीआईटी मैसरा, वही बायोटेक या प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस। उसके बाद आईटी रैम, मैकेनिकल सिविल, एनआईएमटी रांची, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची, ये हमारा पहले निफ्ट रांची था, यहाँ पे मटेरियल साइंस या मैकेनिकल ब्रांच भी यहाँ पे शायद है। उसके बाद आरजीपी आईडी अमेठी में हमको आराम से जो है जो ब्रांचेस वहाँ पे आपका पेट्रोलियम है, केमिकल है, ये मिल जाएंगी। ये अगर आप काउंसलिंग करते हैं स्टार्टिंग के पीरियड में जल्दी फॉर्म भरते थे तो आपको AIML वगैरह भी स्पेशलाइजेशन में मिल जाता है। यहाँ पे गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, ये हमारा सेंट्रल फंड का कॉलेज है और यहाँ पे हमको रेल कम्युनिकेशन, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी AI वगैरह भी यहाँ पे आ गया, ये ब्रांचेस हमको मिल जाएंगी। जीजू बिलासपुर में हमको सीएस, आईटी, ईसी तीनों ही मिल जाएंगी 90 से 80% के बीच में। तेजपुर में सीएस मिल जाएगा, आसाम में सीएस मिल जाएगा, ऑलमोस्ट कॉलेजेस में यहाँ पे आपको सीएस ईसी ब्रांच मिल जाएगी। स्लाइड पंजाब को अगर हटा दें तो इन कॉलेजेस में आपको सीएस मिल जाएगी। आरआरडी बड़ोदरा भी पिछले साल 1 से 2 लाख रैंक के बीच में बच्चों को मिला है, अलग से फॉर्म अप्लाई इसका करना पड़ता है। इसमें आपका आरजीपी आईटी, गतिशक्ति और आरडीओ को फॉर्म आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 80 से 90%। अब देख लेते हैं हम लोग आगे कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जो हमारा 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर बच्चों रैंक आने वाला है साल 2024 में और 80 से 90% आपने गेन किया हुआ आपके पास अगर है तो आपका थापर यूनिवर्सिटी, वीआईटी जयपुर, जेपी नोएडा मेन कैंपस, सेकंड कैंपस जेपी नोएडा, जेएसएस नोएडा, काइट, गलगोटिया, अजय कुमार गर्ग, जीएल बजाज, एलएनसीटी, एमआईटी, एमएसआईटी, जीटीवीआईटी, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये हमको आईपीयू की काउंसलिंग से मिलते हैं। दिल्ली के कॉलेज जेपी अपनी अलग काउंसलिंग करवाता है, जेएसएस, काइट, गलगोटिया, एकेजी हमको यूपी टेक से मिलेंगे, थापर अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाता है। तो यहाँ पे भी हमको जो है सीएस अगर हम हटा दें, थापर वगैरह में सीएस नहीं मिलेगी, अदर ब्रांचेस मिल जाएंगी, वीआईटी जयपुर में सीएस मिल जाएगी, बाकी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से मिल जाएगी अगर हम स्पॉट राउंड तक जाते हैं तो। जेपी मेन कैंपस में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बाकी कैंपस में आराम से सीएस या उसके स्पेशलाइजेशन आराम से बच्चों आपको इस परसेंटाइल पे 80 से 90% के बीच में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 90 से 95% के बीच में, अगर साल 2023 के हिसाब से देखें तो 90 से 95% के बीच में आपका जो रैंक है वो लगभग 1 लाख से 50 हजार के बीच में बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आपका 95 से ऊपर जो परसेंटाइल आया है, 96 है, 97 है, 98 है, 99 है, उस पर आपको कौन कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, कौन कौन से आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज मिलने वाले हैं। आज 95 तक बात कर रहे हैं तो 90 से 95 के बीच में बच्चों अगर आपका परसेंटाइल आया है या फिर आपका रैंक अगर मान के चले एक्सपेक्टेड 1 लाख से 50 हजार के बीच में आने वाला है तो कौन कौन से हमको यहाँ पे एनआईटीज भी मिल जाएंगे, कौन कौन से एनआईटीज मिलेंगे, कौन कौन से ट्रिपल आईटीज मिलेंगे और कौन कौन से अदर जो बेस्ट कॉलेज है वो हमको मिल जाएंगे। 90 से 95% जो है आपका आइडियल परसेंटाइल माना जाता है, मतलब इस पे आप अगर इसके ऊपर अगर आपका आता है तो आप एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप एडवांस का एग्जाम देकर आईआईटी की रैंक सिक्योर करके आप आईआईटीज भी जा सकते हो। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे एनआईटी, एनआईटी श्रीनगर है, एनआईटी मिजोरम है, एनआईटी मेघालय है, एनआईटी मणिपुर है, एनआईटी अगरतला है, एनआईटी सिक्किम है, एनआईटी राउरकेला में 5 ईयर एमएससी, एनआईटी दुर्गापुर में 5 ईयर एमएससी, एनआईटी पटना 5 ईयर एमएससी, उसके बाद एनआईटी रायपुर, अदर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी जो लास्ट वाली ब्रांचेस हैं, यहाँ पे सीएस की उम्मीद मत रखिएगा। एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी सिपुर मतलब आईटी सिपुर, उसके बाद एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगी, ट्रिपल आईटी मणिपुर ईसी, ट्रिपल आईटी भागलपुर मैकेट्रॉनिक्स, उसके बाद ट्रिपल आईटी बड़ोदरा हमारा डीयू वाला जो कैंपस है इंटरनेशनल, यहाँ पे हमको ईसी मिल जाएगी, ट्रिपल आईटी रायचूर, ट्रिपल आईटी अगरतला। तो ये हमारे ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं जहाँ पे हमको लास्ट वाली जो ब्रांचेस हैं, ट्रिपल आईटीज में ईसी होती है, कहीं कहीं पे मैकेनिकल है, कहीं कहीं पे आपको मैकेट्रॉनिक्स है, तो ये ब्रांचेस आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे ट्रिपल आईटी कल्याणी, ट्रिपल आईटी मणिपुर, ट्रिपल आईटी श्रीसठी, ट्रिपल आईटी उसके बाद ट्रिपल आईटी तृष्णापल्ली है, ट्रिपल आईटी धारवाड़ है, कोटायाम है, नागपुर है। यहाँ पे अगर बच्चों आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 90 से 95% के बीच में आराम से यहाँ पे आपको ईसी ब्रांचेस या कहीं कहीं पे सीएस भी मिल जाएगी। ये आपके सेफ स्कोर है कि आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में इनमें मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ।
ये है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें हमारे DTU है, NSUT है, DSU है, IGDTU है, ये हमको मिलेंगे किसे, जैक दिल्ली की काउंसलिंग से। तो 90 से 95% के बीच में, मतलब 1 लाख से 50 हज़ार के बीच में आपका रैंक आने वाला है। तो आपको इन कॉलेजेस में ब्रांच तो बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि कॉलेज आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल है, सिविल है, प्रोडक्शन है, या हो सकता है इलेक्ट्रिकल वगैरह भी मिल जाए। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो यहाँ पर भी आपको IGDTU में अच्छे ब्रांचेस नहीं, मतलब CS को छोड़कर के बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगे। उसके बाद USICT हमारा, USAR ये हमारे IBU कैंपस है, यहाँ पर भी आपको CS छोड़कर के बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट, इनमें हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी इस परसेंटाइल पे, मतलब इस रैंक पे। और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको हो सकता है कि 50,000 रैंक पे, अगर 50-55,000 रैंक आ रहा है तो CS वगैरह भी मिल जाए। SGCET इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, DAV है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी इस जो परसेंटाइल आपका आ रहा है इस पे। जबलपुर में हो सकता है CS मिल जाए, इंदौर में भी CS मिल जाएगा। SGCET जो इंदौर है इसमें आपको CS इस रैंक पर नहीं मिलेगा। MITS ग्वालियर जो है यहाँ पे CS मिल जाएगा आपको 90 से अगर 95 आ रहा है। IIT लखनऊ में CS मिल जाएगा। HBDU कानपुर में आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल, MMM गोरखपुर में CS मिल जाएगा अगर आप यूपी के बच्चे हैं तो। VIT झांसी में CS मिल जाएगा। IIT सुल्तानपुर में CS मिल जाएगा। UIT चंडीगढ़ में EC मिल जाएगा। होशियारपुर में CS मिल जाएगा। CC चंडीगढ़ में आपको CS मिल जाएगा। MBM जोधपुर में अगर आप राजस्थान से CS मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, ये हमारे गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस हैं स्टेज वाइज, जो हमारे अलग अलग स्टेट के हैं, जो हमको 90 से 95% के बीच में ये मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल फंडेड कॉलेज में, हमारा पैक चंडीगढ़, इस पे हमारा जो है पैक चंडीगढ़ में मैकेनिकल है, सिविल है, ये ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं। VIT मैसरा में भी मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस। उसके बाद JKIPD, यहाँ पे दो ही ब्रांचेस हैं, EC और CS, ये भी मिल सकता है। VIT पटना में CS मिल जाएगा, देवगढ़ में CS मिल जाएगा, GGU बिलासपुर में 100% CS मिल जाएगा, निफ्ट रांची में CS मिल जाएगा, मतलब आपका NIMT जो है, IIT रैम में भी शायद CS आ गया है तो भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं यहाँ पे आपको CS ब्रांच और AI वगैरह हमें गतिशक्ति में मिल जाएगी 90 से 95% के बीच में, मतलब रैंक अगर 1 लाख से 50 हज़ार के बीच में आ रहा है। प्राइवेट कॉलेज में हमारा थापर है, LMIT जयपुर है, निर्मा है, PDPU है। LMIT को छोड़ करके जितने भी हमारे कॉलेज हैं यहाँ पे आपको आराम से CS मिल जाएगी। LMIT जयपुर में EC मिल सकती है 50-55 हज़ार के आसपास अगर बच्चों आपका रैंक आ रहा है। MAIT दिल्ली से है तो जितने भी IPU कॉलेज हैं, MAIT, MSIT, भारतीय विद्यापीठ, यहाँ पे CS मिल जाएगा। जैसे नोएडा में CS मिल जाएगा, बाकी जितने भी कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हमारा DG सांगवी है, बाबा रामदेव इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा नागपुर है, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ मुंबई है, DY पाटिल है, यशवंतराव चौहान है, ये GH रायसोनी, ये सब हमारे हम वो कॉलेज हमें MSCT काउंसलिंग से मिलते हैं, पर हम JEE मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो 50 से 1 लाख के बीच में अगर रैंक आ रहा है 90 से 95% तो यहाँ पे आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी जानकारी उनके काम आती होगी। आज की वीडियो को बनाने का मोटिव इतना था कि जो भी आपका जनवरी वाला परसेंटाइल आया ये फाइनल नहीं है, आप अपनी रैंक पे फोकस करिए, आप अपना इंक्रीज करिए, पढ़ाई करते रहिए उसको। अप्रैल वाले एग्जाम में आप उसको थोड़ा सा मेहनत और करिए, उसको आप अपना जो है किसी का 50 आया तो 70, 70 तो 90 और 95 के ऊपर तक ले जाने का उसको प्रयास करिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनका जो है कभी कभी 40% 50% आया है, लेकिन अप्रैल वाले एग्जाम में उन बच्चों ने 95 तक गेन किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे। तो उम्मीद मत छोड़िए, फिलहाल परसेंटाइल के हिसाब से जो मिलने वाला था आपको, एक उम्मीद देने का मेरा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारी, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके काम है। जो आपका लो परसेंटाइल आया हुआ है उस परसेंटाइल पे क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, जितने भी कॉलेज की मैंने बात की है, कोई बहुत ऐसे बाहर के कॉलेज नहीं है, आप जानते हो उन कॉलेजेस के बारे में, उसमें प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो जितने भी मैंने कॉलेजेस की बात की है सब आपको जो है स्टेट की काउंसलिंग से मिलते हैं। उसके अलावा जो उनका डिटेल में प्रोसेस रहता है वो आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग 95 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से NITs, कौन कौन से IIITs या अदर कॉलेज उनको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।